नमस्कार एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जो सभी पेटीएम फास्टैग यूजर्स के लिए है। एनएचआई ने एक इम्पोर्टेंट जानकारी दी है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। 15 मार्च 2024 से पहले सभी पेटीएम फास्टैग यूजर्स को एक नया फास्टैग लेना होगा जो किसी दूसरे बैंक द्वारा जारी किया गया हो। ऐसा इसलिए ताकि टोल प्लाजास पर किसी भी प्रकार की असुविधा या एक्स्ट्रा चार्ज से बचा जा सके। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं और इस वजह से 15 मार्च 2024 के बाद आप अपने पेटीएम फास्टैग को दोबारा रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप अपने फास्टैग में बचे हुए बैलेंस को यूज कर सकते हैं टोल पेमेंट्स के लिए, पर याद रहे न्यू रिचार्ज नहीं हो पाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की मदद या जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं या IHMCL की वेबसाइट पर दिए गए FAQs को पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से अपना नया फास्टैग ले लीजिए और नेशनल हाईवेज पर अपनी यात्रा को और भी सुखद बनाइए।